नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया खबर के खास ऑडियो बुलेटिन में। उपचुनाव से पहले सरकार का बड़ा दाव, आदिवासी उन्यासी ब्लॉक में हर घर राशन पहुंचाने की तैयारी, युवाओं को रोजगार देने का भी दावा। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त पर बवाल, कमलनाथ ने कहा असली लोकायुक्त बनाएंगे, गृह मंत्री का दावा, लोकायुक्त ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार की रिपोर्ट गवर्नर को भेजा। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों का आंदोलन, 28 से 19 अक्टूबर को होने वाली हड़ताल स्थगित, उपचुनाव के चलते लिया फैसला, 22 को प्रदेश भर में सौंपेंगे ज्ञापन। डेंगू के डंक से फिर बड़ा खतरा, गुना में पहली बार एक ही दिन में आए डेंगू के 32 पॉजिटिव मरीज, अस्पताल में जमीन पर कराना पड़ रहा इलाज। धार में ईद मिलाद उन नबी को लेकर प्रशासन अलर्ट, शहर में 40 पुलिस पॉइंट, 350 से अधिक पुलिस जवान 24 घंटे रहेंगे अलर्ट, सीसीटीवी से रखी जाएगी नजर। 17 महीने में पहली बार इंदौर में 3 दिन में कोरोना मरीज की संख्या 0, एक्टिव केस घटकर अब हुए 8। होशंगाबाद में तवा पुल आज से बंद, भोपाल से आने जाने वाले शाहगंज बरेली होकर जाएं पचमढ़ी जबलपुर, बस कार सांगाखेड़ा होकर कर सकेंगे आवाजाही। अमृत योजना के तहत होगा बसों का संचालन, शहर के आसपास जल्द चलेंगी 30 सिटी बसें, टेंडर प्रक्रिया शुरू। दादाजी मंदिर में आज शरद पूर्णिमा, 1.5 साल बाद गर्भगृह में जाकर दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु, नारियल फूल माला भेंट करने पर रोक। मध्य प्रदेश में बारिश के आसार, बादल छाने से 2 दिन रहेगी उमस, मौसम विभाग के अनुसार सीजनल सर्दी अभी नहीं। ये थे अब तक के मुख्य समाचार, खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें इंडिया खबर।